नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। मैं हूं मोहम्मद शिराज खान। जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए 2 गेट बनाए जाएं। जिलाधिकारी ने आज विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के 3 विधानसभा क्षेत्र मीरगंज के 4 बूथों का निरीक्षण किया और कहा कि कोविड के दृष्टिगत प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर तथा मास्क की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। बहेड़ी के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के निरीक्षण में उन्होंने कहा कि मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त द्वार बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां पर वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी बहेड़ी ने बताया कि इस स्कूल में 7 बूथ बनाए गए हैं। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहेड़ी का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने तहसीलदार के जर्जर आवास को शीघ्र निष्प्रयोज कराने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी बहेड़ी ने बताया कि इस स्कूल में 7 बूथ बनाए गए हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदाताओं के लिए 2 गेट भी बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात मंडी परिसर बहेड़ी का भी निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी बहेड़ी ने अवगत कराया कि इस मंडी परिसर से 58 पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। उन्होंने बताया कि परिसर में पोलिंग पार्टियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कृषक इंटर कॉलेज शीशगढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भी वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने गांधी इंटर कॉलेज में तेजी लाने इसके पश्चात उन्होंने गांधी इंटर कॉलेज शाही का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी मीरगंज ने जानकी देवी इंटर कॉलेज मीरगंज में अवगत कराया गया कि इस विद्यालय में मतदाताओं के लिए 6 बूथ बनाए गए हैं तथा इस विद्यालय में मतदाताओं के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। इसके पश्चात उन्होंने राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज मीरगंज का भी निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी मीरगंज ने बताया कि इस स्कूल में 430 पोलिंग पार्टियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन की गति कम पाकर इसमें सुधार करने के निर्देश दिए।